Mehndipur Balaji Temple. So this temple is one of the most exhausted temple of our country, India. And इस temple में जाने का plan all of a sudden I along with my friend Rakesh का बना जब हम लोग ने IIT Delhi का last exam दिया. So we book an online bus ticket and we went into Mehndipur Balaji Temple. तो Delhi से guys direct bus मिलती है Mehndipur Balaji के लिए. So I booked one of those bus. So guys, we have finally reached Mehndipur Balaji, and here as you can see, there are so many pilgrims that are going towards their different dharamshalas. And with me here is Rakesh. Hi Rakesh. So ye first time aaya hai Balaji, main isko leke aaya hu. So I wanted him to see all the supernatural things that happen in the country. I wanted him to experience such things. So ये सब लाइन से बना है और पूरा जो सामने रास्ता जा रहा है ये पूरा बेसिकली बालाजी मंदिर की तरफ जा रहा है, क्योंकि अंदर से जाके थोड़ा सा 500 मीटर्स पे है यहाँ से. तो चलते हैं. हाय गाइस, सो दिस इज द रूम दैट वी हैव बुक्ड फॉर जस्ट 100 रुपीज. आई जस्ट शो यू. तो यार देख सकते हो यार, कुछ ये सुंदर सा होटल का कमरा है जिसमें बेसिकली एक इधर सोने की जगह थी, एक इधर भी है, इधर अंदर बाथरूम है और हर चीज़ दे रखा है. और जस्ट फॉर ₹100 तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर. गाइस, टेंपल जाने से पहले नहाना था हम लोग ने, तो बेसिकली 2 घंटे के लिए हम लोग होटल में रुके एंड देन आई टुक अ बाथ. हालांकि जो पानी आ रहा था वो बहुत ज़्यादा ठंडा आ रहा था. तो ये पीछे का जो एरिया है, यहाँ पर होटल था बेसिकली और जहाँ मैं स्टे किया था. एंड अभी वी आर लिविंग टूवर्ड्स बालाजी टेम्पल. ये एक बड़े सज्जन व्यक्ति थे जिन्होंने बेसिकली हम लोग के पास कैश नहीं था तो कैश दिया. आपका नाम क्या है? इतराम मीना. तो कभी भी गाइस किसी को आना हो तो ये आप देख सकते हैं, श्री गिरधर यात्री निवास, यहाँ पर ये भैया मिल जाएंगे. इनके होटल में आप आके बिल्कुल स्टे कर सकते हैं. जो आयरन की मैश है इस पर बहुत सारे कलावा बंधे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जो लोग पोजेस्ड होते हैं या जिन पे कोई भी नेगेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है या कोई दिक्कतें होती है, तो अगर वो लोग इस पर कलावा बांधते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, तो बेसिकली उनकी मन्नत पूरी हो जाती है. एंड इसके ऑपोजिट में जस्ट बालाजी टेम्पल के बहुत सारे चेम्बर्स बने हुए हैं जहाँ पर एक्सॉर्सिज्म होता है. तो बालाजी के दर्शन करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रेतराज सरकार डीटी मिलेंगे एंड भैरव बाबा डीटी मिलेंगे. तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप इनके दर्शन करें तो पीछे मुड़ के ना देखें, क्योंकि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो आप पे आ सकती है. ऐसा मान्यता है, आई एम नॉट सेइंग कि ये ट्रू है कि नहीं है, ऐसा माना जाता है. एंड इस चेंबर के अगर आप और आगे आएंगे तो एक चेंबर जहाँ पर एक्सॉर्सिज्म प्रैक्टिस होते हैं. सो मंदिर के आसपास 3 पहाड़ हैं एंड हम लोगों ने डिसाइड किया कि वील जस्ट क्लाइंब द माउंटेंस. एंड ऐसे कहा जाता है कि इन पहाड़ों पे एंशियंट टेम्पल्स हैं, अबाउट 2000 ईयर्स ऑफ ओल्ड. तो बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स बने हैं छोटे छोटे एंड वहाँ पर भी एक्सॉर्सिज्म प्रैक्टिस होता है. अदर देन दैट थिंग, अलग अलग गॉड एंड बेसिकली डीटीज के टेम्पल्स बने हैं. सो वी डिसाइडेड टू ट्रैक द माउंटेंस एंड देयर वी गो. तो गाइस, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द 3 पहाड़. अभी हमने बालाजी के दर्शन कर लिए हैं
और ये जो छोटा सा पतला सा रास्ता है ये जा रहा है सात पहाड़ या तीन पहाड़ जो भी कहते हैं उसके लिए, और ये पूरा ऊपर चढ़ना है। तो गाइस जैसे कि इस वीडियो में तुम लोग देख सकते हो सामने जो माउंटेन है इस पे अभी हम लोग जिस माउंटेन पे उस पे चल के जाएंगे, एंड सेम प्रोसेस हम लोग को बीच में जैसे शिवलिंग होता है उसी टाइप में बालाजी के स्टोन फॉर्म में माउंटेन्स पे अलग अलग जगह पे हर 10 कदम पे स्टोन्स मिलेंगे। एंड उसके अलावा हनुमान जी की बहुत बड़ी सी स्टैचू बनी है मेहंदीपुर बालाजी में, वो माउंटेन से दिखती है, एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल द व्यू फ्रॉम द माउंटेन इज। तो आगे पहाड़ क्लाइंब करके देखिए थोड़ा सा अच्छी जगह पे पहुँचे हैं जहाँ पर देखिए पेड़ है बहुत खूबसूरत सा, एंड ये यू कैन सी देख सकते हो तुम लोग कितने ही ज़्यादा छोटे छोटे टेम्पल्स हैं ऑन द माउंटेन्स। लाइक ये जो किनारे तुम लोग को लेफ्ट और राइट साइड में दिख रहे हैं छोटे छोटे टेम्पल्स हैं मेड बाय डिफरेंट सेंट्स ऑफ डिफरेंट एरा, बहुत सदियों से बने हैं। सो एक्चुअली दिस इज़ अ प्लेस दैट आई वुड सजेस्ट एवरी वन टू विजिट वंस, यू वुड डेफिनेटली लव टू सी द एक्सॉर्सिज्म एंड द ब्यूटी एट द सेम टाइम। इधर गाइस यू कैन सी अ गधा और डोंकी चारा खा रहे, देखो ये रुद्राक्ष वगैरह मिल रहे हैं और भैया बेच रहे हैं। सो एट द टॉप ऑफ द माउंटेन वी रीच्ड एंड देयर वी फाउंड दैट एक बहुत बड़ा सा टेम्पल बना है, और उस टेम्पल में बहुत ही ज़्यादा एक्सॉर्सिज्म प्रैक्टिस हो रहा था। मतलब जैसे सामने तुम रील में देख सकते हो एक्सॉर्सिज्म प्रैक्टिस हो रहा है और ये लोग गाना गा रहे हैं और उधर एक मोहतरमा सर हिला रही है, आई डोंट नो व्हाट दैट वाज। सो आई वाज स्केयर्ड एट दिस मोमेंट अलॉट, एंड देन वी वेंट इनसाइड द टेम्पल और वहाँ पर हम लोग को बहुत सारे डीटीज़ की स्क्रिप्चर्स स्कल्पचर्स मिले, एंड जिसमें से 8 शिवलिंगा मिला। दैट वॉज अ बिग थिंग फॉर अस टू नो फॉर द फर्स्ट टाइम। तो गाइस दोनों से दोनों थक गए इस वक्त बहुत ज़्यादा। क्यों राकेश डांस लग रही है ना।
बहुत ज्यादा चलना पड़ रहा है। तो गाइज अब वापस जा रहे हैं आईटी दिल्ली की तरफ और अपने जस्ट होटल के सामने हूँ, बेसिकली कानपुर धर्मशाला के सामने बैठा हूँ। इधर नरसिंह महाराज आ रहे हैं जैसे हाँ, और कैंपस तरफ अब जा रहे हैं यानी आईटी दिल्ली के लिए। तो फिर गवर्नमेंट बस पकड़ेंगे क्योंकि यार बस तो कोई हम लोग ने बुक नहीं करी है। ऑल ऑफ अ सडन प्लान बना था तो देयर वाज नो बस अवेलेबल इन ज़ूम जिंग एंड एज वेल एज रेड बस, सो वी नीड टू बुक राजस्थान वाली ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन वाली बस। लेट मी जस्ट मूव अवे बिकॉज दिस गाय कैन दिस ऑक्स कैन बीट मी अप। या सो व्हाट आई विल डू, दिस इज राकेश एंड दिस इज आवर होटल that we stayed at. So we are really taking our bags, we kept it here secret place, and we are leaving towards Delhi right now. So guys, isi ke saath bye bye. So guys, basically hum log ke paas cash nahi hai aur roadways wale cash mang rahe hain, तो अब हम लोग जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों से पूछने के लिए कि क्या यार आप लोग हम लोग से जीपे ले लीजिए और हम लोग आप लोग से कैश ले लें। तो ये करते हैं ताकि, और ये सब हम लोग को आधे घंटे के अंदर करना है सो दैट वी कुड बाय द टिकट एंड गेट बैक टू दिल्ली। सो वी आर लिटरली स्टक हेयर इन बालाजी बट यार होप सो एवरीथिंग विल बी फाइन। सो फाइनली इन दी एंड हम लोग को कैश मिल गया, वी एक्सचेंज इट विद अ पर्सन बाय पेइंग 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा इन हिज जीपे। एंड उसके बाद हम लोग ने आधे घंटे के अंदर बस की टिकट बुक करी, फिर वी वेंट थ्रू द बस एंड फाइनली रीच्ड आवर ब्यूटीफुल आईटी दिल्ली हॉस्टल। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, आई एम एंडिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।